सो वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माई न्यू व्लॉग। दोस्तों आज जो है सुबह मैं 9 बजे के आसपास उठा हूँ, अभी फ्रेश होकर 10-10 बजे के आसपास घर से बाहर निकला हूँ और 11 बजे मुझे एक शादी अटेंड करनी है। उसके बाद शादी का खाना जो है वो एक हॉल में है, अचीवर्स हॉल में, वही हॉल है जहाँ पर मेरी शादी हुई थी। तो मैं आपको दिखाऊँगा वो हॉल और शादी में जाएंगे वो भी आपसे शेयर करेंगे। सबसे बड़ी बात दोस्तों कि पहले मैं वहाँ नहीं जाऊँगा शादी में, पहले मैं जाऊँगा अपने भाईजान के ऑफिस पर, वहाँ पर वाईफाई मिलता है मुझे फुल स्पीड के साथ में। वीडियोज़ काफ़ी पेंडिंग है, वो मुझे अपलोड करना है। यहाँ पर काफ़ी आजू बाजू वाईफाई है पर स्पीड नहीं मिल पा रही है, बहुत प्रॉब्लम आ रही है। तो मेरा अकेला सहारा मेरे भाईजान की ऑफिस ही है। सबसे पहले मैं जाऊँगा ऑफिस पे, थोड़े वीडियोज़ अपलोड करना बाकी है, उसको अपलोड करके स्केड्यूल लगा के फिर मैं शादी में जाऊँगा, वहाँ से शादी शेयर करूँगा और उसके बाद जाएंगे हम हॉल में, अचीवर्स हॉल में जहाँ पर मेरी शादी हुई थी। वहाँ पर खाना है बेसिकली शादी का, मेरे फैमिली वाले भी सब लोग उधर ही आ रहे हैं रेडी होके, लेकिन पहले मैं भाईजान के ऑफिस होके और वहाँ पर जाऊँगा। अच्छा दोस्तों, वैसे जहाँ पे हमारा घर है वहाँ से बाहर निकलने के बाद फ़ौरन ही ये नेशनल हाईवे है। वैसे यहाँ से अगर सीधा जाते हैं तो 4 घंटे का ड्राइव है हैदराबाद के लिए, और यहाँ पर इस साइड जाते हैं तो आगे मार्केट यार्ड है और उसके आगे बाईपास एक रास्ता है, वो जाता है सीधा पुणे, वो 3.5 घंटे का ड्राइव है। तो ट्रक्स वगैरह यहाँ पर कंटिन्यू मतलब आते ही रहते, सामने देख रहे हो थोड़ा मतलब ट्रक भी रुके हुए और बहुत सारे ट्रक कंटिन्यू निकलते, कुछ पर्टिकुलर टाइम फिक्स होता है, वो टाइम के दौरान ही ट्रक निकलते हैं, बाकी नो एंट्री हो जाती है। फिर देखिए दोस्तों, सब लोग शादी में जाने के लिए निकल चुके हैं, लेकिन मैं और सोहेल भाई, जो सोहेल भाई का छोटा लड़का है मुझसे, उसको हम लेने आए हैं, स्कूल के बाहर खड़े हैं। पहले हम उसको लेंगे फिर हम जाएंगे यहाँ से, अभी वो बस स्कूल छूटने ही वाली, आ रहा है बाहर। अरे ये आ रहा है, देखिए स्पीड में भाग के आ गया। क्या कर रहा है स्कूल में? बस स्कूल में क्या? हाँ पढ़ाई करें। अच्छा ठीक है, चलो जाने का शादी में। चलो तो मुसेफ को लेके आ चुके हैं हम घर पे और अभी फ़िलहाल आयत आके बैठी है मेरे पास में, अभी शादी में जाने के लिए निकलना है। सुल्तान भी सूट वूट पहन के रेडी हो गया है, आयत उसके मम्मी के साथ में जाएगी और सुल्तान को मैं बाइक पे ले जाऊंगा। बेटा इसको ऐसे करो, शाबाश। चलिए दोस्तों चलते हैं, शादी में जाना है। जाना है शादी में? आएगा अबू के साथ गाड़ी पे? नहीं। तो फाइनली आ चुके हैं शादी के हॉल में, यहाँ पर सब बैठे हुए हैं, पीछे अभी खाना वाना भी स्टार्ट हुआ है। ये देखिए अपना जो काम करता है रेगुलर वही काम कर रहा है, फुग्गा उग्गा फुला रहा है, रेफर दिलाया अपन, बहुत जिद कर रहा था तो मैं दोबारा जाके बाइक पे इसको फुग्गा उग्गा दिला के आया। अब ये पूरा 1-2 घंटा इसमें ही टाइम पास करेगा। ये खाना वाना खा लेते हैं, अभी थोड़ा टाइम लगेगा। मैं और सोहेल भाई खाना खाने बैठ रहे थे कि सोहेल भाई अपने हाथ से ही ले रहे खाना, मेरी भी प्लेट आ चुकी है, मैं भी स्टार्ट करने वाला हूँ। और पीछे मंडप वगैरह आप देख रहे हो, बहुत मस्त स्टेज सजाया हुआ है, अभी जाएंगे हम मिलने के लिए ऊपर। देखिए ये सोहेल भाई की लड़की है मसीरा और ये सोहेल भाई का लड़का है मुसेफ, दोनों स्टेज पे जाके मस्ती कर रहे हैं। स्टेज माशाल्लाह देख सकते हो बहुत अच्छा सजाया हुआ है, और अभी दूल्हे तो है नहीं, पता नहीं दोस्तों के साथ बाहर गए हुए, अभी आएंगे यहाँ पर बैठेंगे तो हम जाएंगे, हम भी मुलाकात करेंगे उनसे। सुल्तान भी आ गए स्टेज पर, बहुत खुश हो रहा है क्योंकि इसको शादी में खाने पीने से कोई मतलब नहीं है, बस इसको घूमने चाहिए। देखिए इस तरह से भागम भाग करेगा शादी में, बस ये खाएगा पिएगा नहीं, बस घूमता ही रहेगा। सुल्तान कोई नहीं मिलेगा तो अकेले खेलेगा, पर बहुत मस्ती के साथ खेलेगा। अभी आया तो उसके मामा के साथ मस्ती कर रही है, ये गोद में रहती है, हालांकि वॉक करना स्टार्ट कर दिया है पर बहुत कम कम वॉक करती है। देखिए इसको कैमरा चाहिए, इसको मस्ती करती रहती है पूरा दिन, गोद में ही लेना पड़ता है इसको, नीचे छोड़ेंगे तो रोएगी। सब बच्चे आपस में खेल रहे हैं लेकिन इसको नींद आ रही है तो ये बैठे बैठे सो रहा है, बहुत देर से बैठा है। मैंने मेरी वाइफ को पूछा कौन है तो बोले मेरी गुरु की बहन है, उसका लड़का है। तो देख सकते हो आप। तो बेटा क्या हुआ, सुना है तुम्हारे को? उठो खेलो, सुल्तान पहली शादी वगैरह हो गई है, वहाँ पे सब फैमिली वाले जा चुके हैं घर पे और मैं आया हूँ भाईजान के पास पे, भाईजान ऑफिस पे बैठे हुए, सब ऑफिस वाले जा चुके हैं, 5 बजे ऑफिस बंद हो जाती है, अभी क्लासेस जिनकी होती है वो बच्चे आने वाले होते हैं। वाईफाई का बंदोबस्त नहीं हो पाया सुबह, इसीलिए भाईजान के यहाँ पर आया हूँ, इसलिए ब्लॉगिंग चैनल पर सुबह 8 बजे आने की जगह वीडियो अभी शाम को 5 बजे आई थी, एक वीडियो लेट हो गया था थोड़ा सा, तो खैर कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर आ गया
वाईफाई मिल गया तो दो तीन चैनल पे दो तीन वीडियोस अपलोड कर दिया दोनों चैनल पे, मज़ा आ गया। वीडियोस का वगैरह काम करके बाहर निकल गया हूँ, पीछे मेडिकल था वहाँ से दवाई ले लिए, थोड़ा सर्दी हो गई थी, नाक में से पानी कंटिन्यू जा रहा था। और पीछे माहौल देखिए, बादल वगैरह आए हुए हैं, बारिश का चांस है, निकलना पड़ेगा मुझे फ़ौरन यहाँ से क्योंकि मेरा घर भी यहाँ से लगभग 15-16 किलोमीटर दूर है। नहीं, बाहर बारिश वगैरह आ रही थी, जैसे तैसे करके मैं सर्वाइव करके मैं यहाँ पे मेरे छोटे मामा के वहाँ तक मैं आ चुका हूँ। ये बैठे, उनकी तबीयत थोड़ा ख़राब है आज, और आने के बाद देखिए स्पेशल चीज़ बना के दिया उन्होंने, ये लाल जलेबी है, काजू कतरी है, लड्डू है, ये मोती चूर के, ये बूंदी है मीठी, ये वेफर है, केले के वेफर है, बनाना वेफर, और ये क्या मामा, काटी शो बोलते हैं इसको, ये काटी शो बहुत अच्छी लगती है मुझे, चकली बचपन से। दोस्तों लाइट आ गई, फिर नाश्ता पानी थोड़ा करके हम वहाँ से निकल गए। अर्श के साथ में मैं जा रहा हूँ, ये बोल रहा है कहीं मैं यहाँ पे बकरे अच्छे हैं तो चलते को दिखाता हूँ, हमको लेना नहीं है, बस हम ऐसे ही बस देखने के लिए जा रहे हैं, शॉक करने के लिए जा रहे हैं। और पीछे आप देख रहे हो जंगल जंगल टाइप का एरिया है, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे, हम लोग वॉक कर रहे हैं। आगे भी देखिए कितना अच्छा माहौल है, शाम होने वाली, बारिश वगैरह बंद हो चुकी है लेकिन बादल स्थिर अभी काले हैं तो बारिश आ सकती है, तो कुछ नक्की नहीं है। और ये बोल रहा था बाइक लेके चलते हैं, मैंने बोला पैदल पैदल चल, मज़ा आएगी। मैं घर पे आ चुका हूँ, अभी सोनू पीछे आराम कर रहा है, कुछ गेम वेम खेल रहा है फ़ोन के अंदर, और सुल्तान तो वहाँ पर मस्ती कर रहा है। देखिए ऑलरेडी आ चुका था ये, जल्दी बहुत जल्दी आ गया था ये। तो चलिए फिर आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, शादी वगैरह में गए और एक दो जगह गया वो आपको सब दिखाया मैंने, मिलता है फिर नए व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।